गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेल्कम टू आर से एच यू हेल्थ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की, और आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर की। और न्यू चैप्टर जो हमारे पास में है, चैप्टर नंबर 10 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और इसका नाम है हेलो एल्केन या फिर हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन की हम बात करेंगे। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें सर, एक बात और, इसकी डेफिनेशन क्या होगी हेलो एल्केन की, तो सीधा सा फंडा है बच्चों, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। देखो एल्केन्स, एल्केन का मतलब क्या है, सिंगल बोन, डबल बोन या ट्रिपल बोन आपके पास में, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, सिंगल बोन होना चाहिए। कि जितने भी आपके पास में हाइड्रोकार्बन जो होगा, उस हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन के बीच में, इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सिंगल बोन प्रेजेंट होना चाहिए। वो सारे क्या होंगे आपके पास में, एल्केन होंगे। अब यहाँ पर बोला गया हेलो एल्केन, तो देखते हैं यहाँ आपसे बोला जाएगा कि हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों हेलो एल्केन जो होंगे, इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन एनी हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, कि आपके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम है एल्केन का, इज रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन एटम। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं व्हेन एनी, बोलते हैं फिर 1 2 3 जो भी हो सकता है, व्हेन वन हाइड्रोजन, when one hydrogen atom of alkane is replaced by any halogen atom are called haloalkane. इट मीन्स देखो बच्चों, आपके पास में है तो हैलोजन फैमिली का कोई भी एटम आएगा आपके पास में। अब हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेलो एल्केन आपके पास में दिया गया है बच्चों, उसको हम बोल सकते हैं RX। क्या बोल सकते हैं, RX। और R का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कार्बन जो चयन होगी, कार्बन सीरीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम सीरीज हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है आपके पास में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पर आपने जो डेफिनेशन बोली है, इसका मतलब क्या है। इट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में मान लो ये दिया गया है CH4, और CH4 आपके पास में क्या होता है बच्चों, मैथेन होता है। अब इसने बोला देखो व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, यहाँ पर आपके पास में 4 हाइड्रोजन दिए गए हैं, अगर इनमें से आप एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दें, ये बोल रहा है कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन एटम, कि एक हाइड्रोजन को अगर किसी भी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो आपके पास में जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा, उसको वो कौन सा कंपाउंड होगा आपके पास में, हेलो एल्केन बच्चों। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं, देखो एक हाइड्रोजन कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है बच्चों, और एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हैलोजन जो होता है आपके पास में, उसको हम एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो यहां पर आपके पास बन जाएगा CH3X, और ये जो प्रोडक्ट ओपन हो रहा है, इसका नाम हो जाएगा हेलो एल्केन, या फिर इसी को बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड बच्चों। क्या नाम बोल सकते हैं इसका, एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। जैसे आपके पास में यहाँ पर हेलो एल्केन दिया गया है, इसी को हम बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, और यहाँ पर हेलो एरिन दिया हुआ, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड बोल सकते हैं बच्चों। आगे बात करेंगे हम, अब बात कर रहे हैं आपके पास में, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि C2H6, और यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया, और इस यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, तो आपके पास आ जाएगा C2H5Cl। मतलब आपके पास में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा आपके पास में, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की, बात करते हैं हेलो एरिन्स क्या है। देखो हेलो एरिन, हम ये बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, क्या बोला, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन एटम। तो देखो यहां पर आपने बोला व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, अब एरोमेटिक सिस्टम का मतलब यहां पर बच्चों हो जाएगा बेंजीन, कौन हो जाएगा पास में, बेंजीन हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखना है यहां पर बेंजीन,
व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन एटम इज नोन एज हेलो एरिन्स। तो देखो बच्चों, एरिन्स का मतलब हो गया बेंजीन, ठीक है। और अगर बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन को क्या करोगे, हटा दोगे, और उसके जगह आपको क्या ऐड करना है, हैलोजन ऐड करना है, तो आपके पास में क्या जाएगा, हेलो एरिन आ जाएगा बच्चों। तो ये है आपके पास में, ये तो हो जाएगा आपके पास में बेंजीन बच्चों। और बेंजीन में यहाँ पर ये सारे आपके पास में क्या दिए हैं, हाइड्रोजन है C6H6, ठीक है बच्चों। और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन क्या करना है, रिप्लेस करना है। मान लो आपके पास ये हाइड्रोजन जो यहाँ से बाहर जा रही है, और यहाँ पर किसको ऐड करना है, हैलोजन को, तो आपके पास में ये बन जाएगा हेलो एरिन। देखो ये यहाँ पर डायरेक्ट में हैलोजन, इसको बोलेंगे हेलो एरिन। ये इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं हेलो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन ही एरोमेटिक सिस्टम हमारे पास है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बात करते हैं बच्चों, अगर बात करें इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के बारे में पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। इनका जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हमारे पास में हेलोजन एटम जो होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, तो सर क्या क्या नाम देंगे। तो हम बोल रहे हैं इसका जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम इसके बेसिस से पढ़ेंगे बच्चों। अगर मान लो आपके पास में जो हैलोजन एटम है, किसकी बात कर रहे हैं, हैलोजन एटम, अगर आपके पास में हैलोजन एटम एक है, दो है, ये भी मोर देन टू है, तो आप क्या बोलेंगे। अगर आपके पास में हेलोजन एटम जो है, अगर इफ एक दिया हो तो आप बोलेंगे मोनो, दो है तो क्या बोलेंगे, डाई, और तीन है तो ट्राई, तो हमें बोलेंगे मोर देन टू, हम पोली लगा देंगे, क्या बोलेंगे इसको, पोली। इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, इसका नाम हो जाएगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव, और इसका नाम हो जाएगा पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब मोर देन टू हो जाएंगे आपके पास में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आपके पास में देखो सबसे पहले हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो हेलो एल्केन का ले रहे हैं। आपने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल CH3X। अब इस X का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो देखो यहाँ पर आपके पास में एक लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, मोनो। अगर आपके पास में यहाँ पर दो लग जाए तो क्या बोल देंगे, डाई। और अगर आपके पास में मोर देन टू आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, इसको ट्राई बोल देंगे। मतलब इस प्रकार से एक, दो, तीन, यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर क्या जाएगा, X आ जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। बच्चों यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछता कभी भी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी हेलो एल्केन्स की, लेकिन बात करें अगर हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन की, तो हेलो एरिन का सीधा सा फंडा है बच्चों, ये बेंजीन रिंग। और अगर बेंजीन रिंग के पास आपके पास में एक हेलोजन आइटम अटैच है तो बोलेंगे मोनो। अगर दो हेलोजन आइटम आपके पास में अटैच होंगे बच्चों, कितने हेलोजन आइटम अटैच है आपके पास में, दो, तो क्या बोलोगे आप, डाई। और अगर मोर देन टू हेलोजन आइटम आपके पास में अटैच है, मोर देन टू हेलोजन आइटम, तो आप क्या बोल दोगे बच्चों, इसको ट्राई बोल दोगे या फिर बोल दोगे पॉली हेलोजन डेरिवेटिव बोलोगे, ठीक है बच्चों। तो वापस से बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन की डेफिनेशन आपके पास में क्या हो जाएगी, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन एटम नोन एज हेलो एल्केन। और आप बोलोगे हेलो एरिन के बारे में कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय एनी हैलोजन एटम इज नोन एज हेलो एरिन बोलेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि सर जी हमारे पास में इसका क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम,
कि आपके पास में हेलोजनेटर कितने होंगे, 1, 2, 3, अगर एक होगा तो बोलेंगे मोनो, दो होगा तो डाई, और मोर देन टू होंगे तो हम बोल देंगे पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।